उसके बाद हम एक बहुत ही अच्छा सेशन करने जा रहे हैं अभी, है ना। 30 मिनट्स का सेशन है, बहुत ही जबरदस्त सेशन है। तो हमारे पास में एक हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है जो दिल्ली से है, जिनको अभी सुना आपने, एमरल्ड है। और सुशील कुमार एंड करुण माला जी वो बताएंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, है ना, एमरल्ड शिप तक की उनकी जर्नी कैसी रही, उनको क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आए, क्यों ये बिजनेस को किया उन्होंने, है ना, सब कुछ बताएंगे। क्यों बताएंगे पता है? क्योंकि वो ही उनकी जो जर्नी है वो सुन के हम कुछ ना कुछ उनमें से कुछ सीख सके और हमारा बिजनेस भी ग्रो कर सके, है ना। सो प्लीज हेल्प मी टू इनवाइट सुशील कुमार जी एंड करुण माला जी। ओवर टू यू। हाँ, नमस्कार सभी को। कैसे हैं अहमदाबाद? हेलो। नमस्कार सभी को। हाँ जी, अहमदाबाद वालों कैसे हैं? ग्रेट ग्रेट एक्साइटेड? सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुशील कुमार है, एक्स एजुकेशन ऑफिसर, और जैसे मैंने पहले बताया है। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो चीज आपकी किस्मत में आनी होती है वो आनी होती है, लेकिन आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए। हम क्या बताएं कि नौकरी वाले परिवार से हमने नहीं सोचा था कभी हम बिजनेस करेंगे। तो ऐसे ही करते करते हमारे पार्क में हमारे अपलायन एस सी यादव जी मिले और मैडम से बात की, और उन्होंने इस बिजनेस को दिखाया एक ट्यूशन के बहाने कि आप हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देंगे क्या। ऐसे करते करते हम इस बिजनेस में आए। बिजनेस में आने के बाद में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हमें इस सिस्टम से जोड़ा। सिस्टम से जोड़ने के बाद में हम धीरे धीरे करके अपना काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद में हमारी मुलाकात एमडी यादव जी से हुई, जो ग्रेट लीडर हैं और हमारे डायमंड हैं दिल्ली। सुधा जी के बारे में क्या बताऊं, जैसे यशोदा है, एकदम उनकी जो मुस्कुराहट है और उनका जो एटीट्यूड है और जो उनका सर्विंग नेचर है। और मुरलीधर जी का भी जवाब नहीं है, दिल्ली उन्होंने हमको तराशा है। उसके बाद में हमारे देश के सबसे बड़े पिन क्राउन डॉक्टर ब्रैच, हम उस एलओएस से हैं, हम अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करते हैं उनके लिए। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, जहां तक बात है बिजनेस की, बिजनेस वास्तव में बहुत बढ़िया है। हमने नहीं सोचा था कभी हम इस बिजनेस को करेंगे। मैंने सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन किया दिल्ली में एज ए टीचर, और करने के बाद में हमारे फ्रेंड्स ने बोला कि यदि हम कुछ और तैयारी करें तो हो सकता है हम अधिकारी बने। उसी हिसाब से हमने सोचा, करते करते हमने तैयारी की। तैयारी करने के बाद में हमने यूपीपीसीएस क्वालिफाई करके एज एजुकेशन ऑफिसर हम रहे। तो फ्रेंड, मैं एक चीज बताता हूँ कि नौकरी मैंने 30 साल की है, और 30 साल करने के बाद में भी जब भी मकान बनाते थे तो बैंक की तरफ देखना पड़ता था। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये बिजनेस वास्तव में बहुत बढ़िया है। इस बिजनेस में मेरी जो बेटर हाफ है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। रियली, जब मेरी पोस्टिंग सोनभद्र थी, इन्होंने इस बिजनेस को बनाया। और फ्रेंड्स, मैं तो एक चीज और कहूंगा कि आप इस बिजनेस को सही ढंग से बनाएंगे तो सारी चीज अपने आप होने शुरू हो जाएंगी। जब हम अपने घर में गोल लगाया करते थे, थैंक्स गॉड हम 90% हम 9% पहुंच गए, तो हमारे बच्चे गोल लगाते थे कि हमारे, थैंक्स गॉड हमारे 90% मार्क्स आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, वो देख हम देख ऐसे ही चलता रहा, और चलने के बाद में हमें नहीं पता कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड में कितनी ताकत है, और उस ताकत का हमें अपने घर के इन्वायरमेंट से धीरे धीरे करके क्या हुआ कि हमारे बेटे ने भी अपने गोल बनाने शुरू किए, बिटिया ने गोल बनाना शुरू किया, बेटे ने मेरे गोल लगा कि थैंक्स गॉड मेरे 12th में 96% नंबर आएंगे, और उसके 96% है। उन्होंने फिर लगा था गोल कि मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन होगा और मेरी रैंक जो है 100 में होगी। तो उसकी 100 में नहीं, लेकिन 200 उसकी रैंक रही है। तो फ्रेंड्स, मैं तो एक चीज जानता हूं, यदि आप सिस्टम में आ जाएं, पावर सिस्टम में है, अगर सिस्टम में आएंगे तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। जैसे सूर्य है, सूर्य के अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा से ही सारे प्राणी आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। ऐसे ही हमारा ब्रिट वर्ल्ड वाइड है जो हमें आगे बढ़ाता है। और मैं तो एक चीज कहूंगा, हमने ये नहीं सोचा था एक हम यहां तक पहुंचेंगे। हमने कभी जहाज के हाथ लगा करके नहीं देखा फ्रेंड्स, लेकिन जब से इस बिजनेस में आए हैं हमने कई देशों की यात्रा की है, और हम दोनों ने कभी भी किसी ढाबे पे बैठ करके चाय नहीं पी। आज हम 5-स्टार होटल में जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस बिजनेस की देन है।
और मैं तो ये कहूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट बना ले बिजनेस, अपने आप को जब सॉफ्ट बना लेते हैं हम तो बिजनेस बहुत आगे बढ़ता है। और जहां तक बात है इसे मेंटरशिप की, मेंटरशिप का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे तो ग्रंथों में भी बोला है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। तो फ्रेंड्स ये जो गुरु की महिमा है हमने वास्तव में पढ़ा था लेकिन उस महिमा को हमने एमबीए में आकर के जाना। हमने अच्छे अच्छे लीडर की सीडी सुनी है, प्रियांबद जी की सुनी, उन्होंने गुरु के बारे में बहुत अच्छा बोला है। तो मैं तो ये कहूंगा यदि आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, यदि आपका एटीट्यूड बदल जाएगा तो फ्रेंड्स आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सच बता रहे हैं, कभी ये नहीं सोचा था, गांव में हम पढ़े लिखे हैं उसमें टाट पट्टी के जो स्कूल हुआ करते थे हमारे टाइम के लगभग सभी लोग उसी पे पढ़े हैं, और कभी ये नहीं सोचा था कि आज हम यहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन हम यहाँ तक नहीं पहुंचे, हमको यहाँ तक सिस्टम ने पहुंचाया, हमारे विश्वास ने पहुंचाया। जब आपके दिमाग में विश्वास आ जाएगा और आप अपने परिवार से प्यार करना शुरू कर देंगे, मैं तो कहता हूं कि जिस घर में आप, जिस घर में नारी की पूजा होती है ना, लक्ष्मी ऑटोमेटिक उस घर में आ जाती है। तो हमने तो यही किया, हम क्या करते थे, बाहर थे सोनभद्र में, अपनी मिसिज को डेली बोलते थे सुबह 5-6 बजे के आसपास, ग्रेट आई प्राउड ऑफ यू, देख लेना एक दिन इतिहास रच देगी। ऐसे करते करते इन्होंने इस बिजनेस को बनाया और फ्रेंड्स आज इनकी पहचान एक एनसीआर में आयरन लेडी के नाम से कही जाती है, क्योंकि सारी अपनी टीम को इन्होंने बहुत कुछ बताया। तो फ्रेंड्स मैं तो ये कहूंगा यदि आप अपने अपलाइन का साथ रहें और प्रोडक्ट से प्यार करें, सिस्टम से जुड़े रहें, तो आपको कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। रोकता कौन है, रोकता खुद अपना मन है। यदि आपके मन में कहीं जाने की कोई इच्छा होती है तो फ्रेंड्स मैं तो ये कहता हूँ आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और सबसे ज्यादा हर्डल कौन कहाँ से आते हैं, सबसे ज्यादा हर्डल आते हैं अपने परिवारों से, अपने रिश्तेदारों से। हमें भी कई रिश्तेदारों ने पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन आज वो ये कहते हैं कि यार तेरी तो किस्मत बहुत बढ़िया है तो इस बिजनेस को कर गया, वरना शुरू में बोला करते तो बहुत सीधा है तू, तो यार मास्टर के बस की चीजें कहाँ होती हैं। ऐसा करते करते आज क्या बोलते हैं, रियली यू आर, वो कहते हैं कि यार तेरी किस्मत बहुत बढ़िया है, यदि तू मिट्टी को हाथ लगा देता तो सोना बन जाता है। तो फ्रेंड्स लोग तो बोलेंगे, यदि आप लोगों से शर्मा करके घर में बैठ जाओगे तो आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। और ज्यादा कुछ नहीं कहते, बस यही कहूंगा सिस्टम को पकड़िए, सिस्टम में पावर है, और कहीं चीज में पावर नहीं है। यदि आप सिस्टम से जुड़े रहे, अपने प्रोडक्ट से प्यार करते रहे, अपनी टीम को ऐसे माने जैसे आपकी संतान हो, तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया की सारी नियामतें आपके पास होंगी और दुनिया के अच्छे अच्छे देश में आप घूमोगे, अच्छे 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 होटल में आप ठहरोगे। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूंगा कि आप जो है अपने अपलाइन के हमेशा सानिध्य में रहे, सिस्टम से जुड़े रहें, प्रोडक्ट को यूज करें। और इन्हीं शब्दों के साथ में जो है मैं अपनी मिसेज को इनवाइट करना चाहता हूं जो इस बिजनेस की बैकबोन है, और रियली शी इज ग्रेट लेडी, उन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। और मैं तो कहता हूं कि आदमी कहता ही है कि मैं करता हूं, लेकिन यदि हम बच्चों के बारे में सोचे 90% योगदान बच्चों को बनाने में भी उनका ही होता है। आदमी तो केवल बाहर से पैसा कमा के ला सकता है, लेकिन जो वैल्यू सिखाती है शेरनी ही अपने बच्चों को सिखाती है। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ में अपनी बेटर हाफ शेरनी को इनवाइट करना चाहता हूं, तो प्लीज हैंड वेलकम करुणमाला जी। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम करुणमाला है, टीचिंग प्रोफेशन, और रियली बहुत अच्छा लग रहा है आज हम लोगों को जो है अहमदाबाद की मीटिंग में आकर के, और आप रियली सभी लोग जितने भी सारे लीडर्स हैं बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, सबके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, और रियली देख करके मैं देख रही हूँ मीटिंग को देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, मैं तो सच में आप लोगों को देख करके बहुत खुश हो रही हूँ, कितना एक्साइटमेंट है, कितने हर तरह के आप जो है ना मनोरंजन के भी सारे के सारे जो है आप प्रोग्राम करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो देखिए मैं अगर इस बिजनेस में अपनी मतलब थोड़ी सी बात करती हूँ, इस बिजनेस में से पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, और जब टीचर थी तो वहां पर
मैंने एक चीज देखी है, जो इस बिजनेस से मिलता है वो वहां पर कहीं पर भी नहीं मिलता है, वहां तो क्या कहीं पर भी नहीं मिलता है। इस बिजनेस में मैं सबसे पहले जब मीटिंग में गई थी, तो मीटिंग में जाने से, मैंने फर्स्ट मीटिंग में गई और मेरे अप्लाई लेकर के गए, मैंने वहां पर जाकर के बोर्ड पे देखा, वहां पर वो सारी चीजें दिखाई जा रही थी, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फ्यूचर सिक्योरिटी, टेंशन फ्री लाइफ और फॉरेन टूर, वो सारी के सारी जो लेडीज को हर लेडीज को चाहिए। तो मैंने जब देखा वो चीज, मुझे पूरा पैकेज मुझे कहीं भी नजर नहीं आया, और जब मैंने वहां पर देखा तो मैंने इस बिजनेस को यस कर दिया, और यस करने के बाद में पीछे मुड़ के आज तक मैंने नहीं देखा है। एक दिन कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि करुण माला ने ये वाली ओपन मीटिंग को मिस किया है। हर मीटिंग को, चाहे वो कैसा भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आपका जो है, जब आप स्ट्रोंग होते हैं हर चीज में, जब आप सोच लेते हैं ना, तो आपके सामने कोई बीमारी भी कोई नहीं आती है, मुझे इतना पता है। उस दिन का दिन, आज का दिन, जो आज हम आपके सामने है, ब्रांड न्यू एमरल्ड, ब्रांड न्यू एमरल्ड किसको अच्छा नहीं लगता है ना? न्यू कार, न्यू घर, न्यू पिन, सबको पसंद है, तो मुझे इतना पता है। और देखिए, जब स्टार्टिंग में, जब मैं इस बिजनेस में, मैंने सिल्वर तक मैंने इनके साथ में जो है बिजनेस करती थी, जब मेरे हस्बैंड साथ में थे सिल्वर तक, और सिल्वर के बाद में इनका ट्रांसफर जो है बाहर हो गया। अब इनका ट्रांसफर हो गया तो आप सोच के देखिए, या तो मुझे, या मैं बिजनेस को छोड़ देती, या फिर मुझे प्रूव करके दिखाना था इस बिजनेस को, है ना। तो मैंने देखा कि पहले तो मैं इनके साथ पीछे बाइक पे जाया करती थी मीटिंग में, और उसके बाद में फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए, ये तो हस्बैंड तो है नहीं, अब कैसे किया जाए। तो उस टाइम सारी बागडोर अपने हाथ में संभाली, उस टाइम मैं जेंट्स के साथ में तो काम नहीं करती थी, मैंने सोचा लेडीज हैं सारी की सारी, हमने लेडीज के साथ में काम करना शुरू किया, हमने दिन में मीटिंग शुरू करनी शुरू की, क्योंकि मैं रात में नहीं जा सकती थी, तो दिन में मैंने लेडीज को इकट्ठा किया, और दिन में हम फेशियल करते थे, मीटिंग करते थे, तो दिन में हमने सारे काम करने शुरू किए। धीरे धीरे करते करते हमारी ऐसे ही टीम जो है बिल्ड होती चली गई। और उसके बाद मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुझे व्हीकल नहीं आता था कुछ भी चलाना। अब मैं पैदल कितना जा सकती थी? पैदल हमने कंधे पे लेकर के डेमो किट और सब चीजें लेकर के चलते थे, कंधे लाल हो जाते थे हमारे जो है ना, उसको लेकर के पैदल पैदल चल के, अपने साथ में जिसको लेके चलते थे उसको भी। तो मैंने कहा इसमें व्हीकल की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसके बाद में मुझे जो है स्कूटी की जरूरत पड़ी, मैंने स्कूटी ली, और स्कूटी लेने के बाद में बड़ा डर लगता था कैसे चलाऊंगे, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वाली स्कूटी आती थी, वो उसकी 30 की स्पीड होती थी, उससे हमने गली वली पार करना, थोड़ा आसपास जा करके प्लान दिखाना शुरू किया, उस पर सामान थोड़ा सा लेके जाते थे, फिर धीरे धीरे करके हमने पेट्रोल की स्कूटी लेना शुरू की। तो फिर उसके बाद में पेट्रोल की स्कूटी से हमने काम करना शुरू किया, उसमें एक मेरी जो है मैं होती थी, और मेरे ग्रुप का एक बंदा पीछे बैठी हुई होती थी लेडी, और हमारे आगे जो है किट होती थी और बोर्ड होता था, और हम दोपहर में मतलब पसीने में लता रहा था, और हम जब लोगों के घरों में जाते थे कितनी बार बोलते थे कि अरे यार मेरे को तो नींद आ रही है, और आप जो है ना बाद में आ जाना। मैंने कहा नहीं, जब हम आ गए हैं आप प्लीज, मैंने कहा थोड़ी सी देर बैठ जाओ, कि अच्छा चलो जब आप आ गए हो मैं एक दो को और बुला लाती हूँ। तो ऐसे करते करते हमने पहले अपनी लेडीज की टीम बिल्ड की, और उसी में फेशियल करना, उनको एंजॉय करना, उनको डांस मौज मस्ती, वही जो चीज बोल रहे हैं हमने वो चीज करनी शुरू की। इस तरह से हमने जो है ना अपनी टीम बनानी शुरू कर दी। अब मेरे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत सारी लेडीज मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसी लेडी हैं जो प्लेटिनम है, फाउंडर प्लेटिनम है। जब मैं खुद निकलती थी और वो भी घर से बाहर निकलती थी, तो हम लोग मीटिंग में कभी कभी लेट भी हो जाते थे, कभी कभी हम रात की मीटिंग में भी जाते थे अपलाइन की, तो कितनी बार हमारे लिए दरवाजे बंद हो जाते थे, है ना। तो जब दरवाजे बंद हो जाते थे, दरवाजे पर हम खड़े रहते थे, हम अंदर आएंगे, तो कितनी बार जो है ना मेरे ग्रुप में लेडी है वो भी दरवाजे के बाहर खड़ी मेरे को रो के फोन करती थी कि मैडम दरवाजा बंद कर दिया, इन्होंने दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। तो फिर मैं उसके पास में जाके, जब तक वो घर में नहीं घुसती थी, मैं तब तक उसको छोड़ करके घर तक नहीं आती थी। मतलब बहुत सारे चैलेंज आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक आपके पास चैलेंज नहीं आएंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है, मैं सच बता रही हूँ। देखो, या तो चैलेंज पे फोकस कर लो, या अपने ड्रीम पे फोकस कर लो। तो हमने चैलेंज को अपने जो है कम करके अपने ड्रीम पे फोकस किया और करते चले गए। अब उसके बाद हमारा ग्रुप और अच्छा सा बढ़ने लगा, हमें और दूर दूर जा करके लोगों को जो है ना लोग बताने लगे। उस टाइम कोई लेडी प्लान नहीं दिखाती थी ओपन मीटिंग में, तो हमारे मेरे हस्बैंड को जब मेरे अपलाइन प्लान दिखाते थे, तो मैं अकेले में प्रैक्टिस करती थी, और कभी सोचती थी, मैंने अपने अपलाइन को बोला, मैंने कहा
तो सर क्या लेडीज भी प्लान दिखा सकती है, क्योंकि मैंने किसी ओपन मीटिंग में लेडीज को प्लान दिखाते नहीं देखा था, मैंने वैसे अपनी मीटिंग में भी किसी लेडीज को प्लान दिखाते हुए नहीं देखा था, तो मैंने कहा सर मैं भी दिखा सकती। कहते हाँ क्यों नहीं। तो तब मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, फिर करते करते मैं ओपन मीटिंग में प्लान दिखाने लगी, तो धीरे धीरे करते करते इसी तरह से हमारी जर्नी शुरू हो गई। करते करते उसके बाद में आप आज सोच के देखिए कि आज मैंने जो है, फिर उसके बाद मैंने सेंट्रो कार ली, कार में लेकर के अपने सारी लेडीज को ग्रुप को ले करके जाती थी। उससे पहले हम बसों में भर भर के लेके जाते थे। एक बार तो मैं जो है बस में लेकर के गई, वहां पर कम से कम 15 लेडी मेरे साथ थी, और बीच में बारिश आ गई, हम पूरा पानी में लथपथ वो थे। 3 बसें चेंज करके 900 रुपए की टिकट में, और जब तक हम वहां पर गए तो सारा सेमिनार खत्म हो चुका था, लास्ट के 15-20 मिनट बचे थे। तो सोच के देखो, लेकिन उन्हीं में से मेरे 2 प्लेटिनम है, 2 काउंटर प्लेटिनम है, उसी तरह करते करते। और उसके बाद में फिर हमने कार ली, मैंने सबसे पहले सेंट्रो कार ली, उसके बाद में फिर मैंने i10 कार ली है, और अभी एमरल्ड बन के जो है, मैंने अभी बोनस में अगर मैं आपको बताऊं, ब्रांड न्यू क्रेटा कार ली है। तो उसको चलाती हूँ चश्मा लगा के, हाथ में पल्लू साड़ी का ले करके, और जब चलती हूँ अपने ग्रुप की लेडीज को ले करके, उसमें मेरी बुक्स होती है ब्रिट की, उसमें किट होती है, मेरे सारे प्रोडक्ट होते हैं उसमें, तो बहुत मजा आता है उसको मतलब चलाने में। और उसमें सबसे बड़ी बात है, मैंने मतलब 3 लाख रुपए तो मैंने उसकी खाली डेकोरेशन पे लगाए हैं। उसमें 50,000 का जो है, मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, सीडी सुनने का बहुत शौक है, तो स्पीकर मैंने इतने मतलब बढ़िया जो लगना चाहिए कि हाँ मैं चलूँ तो लोग ये कहें कि हाँ भाई ये लेडीज बिजनेस कर रही है, मुझे बहुत शौक है। और नेक्स्ट ड्रीम है मेरा कि मैं BMW गाड़ी लूंगी। तो बहुत मतलब ये चीज हुई। और लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन में हमारे, हम इसी में सफायर गए और इसी में ही हम एमरल्ड गए हैं। उससे पहले हम लॉकडाउन में, मैं बता रही हूँ आपको, जब हमारी क्वालिफिकेशन शुरू हुई थी उस टाइम जो है लॉकडाउन हुआ, और हम इतने परेशान हुए, हमने कहा क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रही है। 2 दिन तक मैं वैसे रोती रही, मैंने कहा अब सारी मीटिंग बंद हो गई, अब कोई ऑफिस बंद हो गए, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। फिर धीरे धीरे करके जूम का पता चला, तो जूम के थ्रू हमने अपनी मीटिंग को स्टार्ट किया और अच्छा लगा। आज जूम के थ्रू देखो कितना अच्छा है कि अहमदाबाद में आप हो और हम यहाँ दिल्ली में हैं, और आप हम लोगों को अहमदाबाद में सुन रहे हो, है ना। तो कितना बढ़िया, मतलब हर बार कुछ ना कुछ नए चेंजिंग होती है। जब भी कोई आपत्ति आएगी उसमें कुछ ना कुछ नई चीजों का जो है ना वो मतलब जो है नई चीजें निकल के आएंगी। तो ये जूम के थ्रू आज हमारे को आप इसमें सुन रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, हम घर में बैठे हुए आपको देख रहे हैं, है ना। मुझे पता था हमारे यहाँ राजनगर है, द्वारका के पास में हम राजनगर में रहते हैं, छोटी सी जगह, तो वहां पर सबसे बड़ा जो है ये उसमें जो है कोरोना के टाइम पे जो है ये सबसे बड़ा कंटोनमेंट जोन बनाया गया हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ गली गली सारी बंद, जितने भी रास्ते थे सब बंद कर दिए गए जिस टाइम पे। तो हम लोग जो पैदल जा जाके प्रोडक्ट देते थे, वो पैदल जाके भी हम प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे थे, बहुत मुश्किल हो गया था। तो हम क्या करते, उन बलियों के नीचे से निकल निकल करके हमने लोगों की सेवा करनी शुरू की, लोगों के पास में हमने प्रोडक्ट पहुंचाए, लोगों को जो बीमार थे उनके हमने सेवा करी जा करके। हमने कहा जो कुछ होना होगा वो घर में बैठे हुए भी हो जाएगा, और हमने जा करके उनको प्रोडक्ट दिए, क्योंकि उस टाइम पे इतने लोग बीमार थे ना, हमारे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जो है इंसान को जरूरत थी उस टाइम पे। और एमवे ने इतना सपोर्ट किया, ऑफिस भी हमारे लिए जो है खुले, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि होम डिलीवरी इतनी फास्ट कर दी, तो उस चीज का ट्रेनिंग है सारी की सारी जो है जूम के थ्रू होने लगी, तो उसका बहुत फायदा हुआ। और जब लोग खाली बैठ गए घरों में जो है, उनके पास में कोई रोजगार नहीं थे, उस टाइम हमने क्या किया, मैंने कहा अभी आप जॉब पे नहीं जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, हमने उनको बुक पढ़ने पे लगातार लगा दिया। और इतना हमने बुक पढ़ने में लगाया कि हमने कहा आज कितने पेज पढ़ने हैं, तो हमने कंपटीशन कर दिया सब में, तो कोई 20 पढ़ता था, कोई 30 पेज, कोई 40 पेज, फिर मेरे पास 50 पेज का आने लगा, 60 पेज का। मैं रात के 3:30-3 बजे तक मैं TPR चेक करती थी, है ना, 2-day प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, कि कितनी आपने कौन सी बुक पढ़ी और इसमें कितने पेज पढ़े हैं, आपने कौन सी CD सुनी है। जब खाली टाइम था हमने इतना लगाया लोगों को, और सब पूरी टीम में पता नहीं कहाँ से मोमेंटम आ गया, वो बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करते करते जो है मुझे इतना पता है कि पहले हम जो है सफायर गए,
और हमें तो पता भी नहीं था कि हम एमरल्ड जा रहे हैं, सच बताओ, क्योंकि सफायर पिन करके ही हटे थे। हमने कहा भाई लॉकडाउन वैसे है, हिम्मत इतनी हो नहीं रही है, देखते हैं जैसा भी हो गया, सभी लोग सोचते हैं, तो एमरल्ड की सोची नहीं थी। अब देखा तो क्या, एमरल्ड सिप भी अपने आप हो गई। अब हमारे अगर एक ग्रुप में अगर देखो तो उसमें हमारे 3 फाउंडर प्लेटिनम है और 2 गोल्ड है हमारे, उसमें सिल्वर है फर्स्ट टीम में। और सेकंड टीम की अगर मैं बात करूं तो सेकंड टीम में 2 हमारे प्लेटिनम है और सिल्वर है, उसमें भी गोल्ड है। और अगर मैं थर्ड टीम की बात करूं तो उसमें भी हमारे 2 प्लेटिनम निकले हैं। तो इस तरह से करके पता है नहीं, मतलब सब लोगों में कितना जोश भर गया, उसका सारा का सारा जो क्रेडिट दिया जाता है वो सीडी और बुक को दूंगी मैं, क्योंकि वो इतने डायमंड को उन्होंने सुना और इतनी बुक पढ़ी ना, जिससे उनके अंदर एनर्जी आ गई और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और सच में इस कदर काम करते थे, हमने जिनको देखा, हमने वैसे प्रैक्टिकली भी हमने काम किया ऐसा नहीं है, और हमने जो है अपने जूम के थ्रू भी उनको सब सारी ट्रेनिंग सिखाई है, सब हमने मीटिंग की है, सब कुछ किया हमने, जो जैसा था, जैसे जिसको डर नहीं लगता था। हम केवल अपनी मीटिंग भी, हम फिजिकल मीटिंग करते थे तो फिजिकल मीटिंग में केवल हम उन्हीं लीडर्स को बुलाते थे जो न्यूट्रलाइट खाते थे, बाहर वालों को नहीं बुलाते थे कोरोना के डर की वजह से। और हम जाते थे, सबको प्यार करते थे, जिनको कोरोना है उनके घर तक जा करके खाना भी पहुंचाया, उनको जा करके हमने सप्लीमेंट भी दिए। अरे कोई जरूरी थोड़ी ना है कि तुम अगर घर में अंदर नहीं जा सकते तो उनको दरवाजा खोल के प्यार से बोल दो कि देखो मैं खाना बना के लाई हूँ, आप ये खाना खा लीजिए, तो आपको कैसा लगेगा आप ये देखें। तो जब उन्होंने हमारा व्यवहार देखा, ये बिजनेस कुछ नहीं है, मेन चीज है लोगों को समझने का बिजनेस है। अगर आप लोगों को समझ जाएगा ना तो बिजनेस तो अपने आप हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, सच में धरती के तत्ते पे मैंने इससे बढ़िया बिजनेस देखा है। और कुछ लोग कहते हैं ना ये बिजनेस चलता नहीं है, ये सच बताऊं ये आलसी और कमजोर लोगों की निशानी है जो लोग ऐसे बोलते हैं, है ना। एमरल्ड तक मुझे इतना पता है कि फाउंडर प्लेटिनम मैंने अकेले किया, अपने ग्रुप की लेडीज सब बोलते थे कि लेडीज को उसमें मीटिंग में लेके आओ, और करुणमाला सोचते थे कि सारे लीडर बोलते हैं लेडीज को जो है मीटिंग में लेके, हम सोचते हैं जेंट्स को कैसे लाया जाए मीटिंग में, हमारे साथ तो उल्टा हो रहा है, हमारे साथ सारी लेडीज ही लेडीज हैं, वो सारी प्लान दिखा रही हैं, सीडी का, बुक का, सारी ज्वाइनिंग का, जो काम एमबीए का होता है सब, जितने भी एमबीए में हमारे लिए है वो सब कुछ उन्होंने किया। तो आपके ड्रीम में इतनी बड़ी पावर होती है, मैं देखो ड्रीम की पावर बताती हूँ। अभी भी मेरे पास में जब क्रेटा गाड़ी ही नहीं थी, अभी मैंने सिर्फ 1 महीना हुआ जो ली है, तो क्रेटा गाड़ी नहीं थी, तो मैंने पहले से ही अपनी ड्रीम बोर्ड पे लगा रखी थी, अभी भी मैंने कटिंग कर करके रखी, मैंने कहा डायमंड शिप के लिए, और अपना विजन बोर्ड जो है ना ये इसको ड्रीम बोर्ड को बहुत अच्छा सा बनाती हूँ, अभी काट के रखी हुई थी। और अचानक फिर कहने लगे, कहते 1 साल की बुकिंग पे है। फिर मैं कई जगह गई और एक जगह मुझे ऐसे पता चला, और मैंने जाते ही जैसे, और बोनस भी अब की बार इतनी जल्दी आया उसका जो है एमरल्ड का, और गई और फटाक से जो है उसको खरीद के ले आई। मतलब बड़ा मजा आता है कि आप जो है ना इतना बढ़िया कि आप जिस चीज पर नजर डालो वो चीज आपकी हो जाए। हर साल विदेशों की यात्रा करते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। हर जगह हमने पेरिस, कनाडा, मेलबोर्न, हमने जो है दुबई, इस्तांबुल, हम सब जगह, कितनी जगह हम इस बिजनेस के थ्रू हम घूम के आते हैं और इतनी मस्ती मारते हैं जैसे छोटे बच्चे की तरह, वहां पे जो है ना इतना कूदते हैं, वहां पे मतलब टप में इतना कूदते हैं, बाहर ये सब लीडर्स आपको बता देंगे, इतना मजा आता है सच में। कभी जिंदगी में हम टीचिंग लाइन में थे तो कभी हमें पता ही नहीं था कि कभी ऐसा हो भी पाएगा, है ना। तो बहुत बढ़िया हमारा जो है ये टाइम गुजरा, बहुत अच्छा रहा सच में। मैं कहती हूँ कि थैंक्स गॉड हमारी लाइफ में ये बिजनेस आया। मैं तो इसीलिए बस यही कहूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, जब आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा ना, आप अपने, वो कहते हैं ना कि ड्रीम को लगा के रखिए, अपने ड्रीम को चेंज मत करो, डेट भले चेंज हो जाए लेकिन ड्रीम चेंज नहीं होना चाहिए। आपको अपने ड्रीम को इतना, मतलब अपने माइंड को इतनी कमांड दो, चाहे कुछ भी हो, अपने ड्रीम को खोने नहीं देना। कितनी बार लोग जो है ना थोड़ा थोड़ा सा जो है चैलेंज आते हैं और फटाक से बिजनेस को छोड़ देते हैं। कितनी बार अपलाइन की बात बुरी लगने लग जाती है, अपलाइन ने मुझे तो ये बोल दिया मैं मीटिंग नहीं करूंगी, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी। वो किसका खो रहे हैं, वो अपना खो रहे हैं, किसी और का नहीं खो रहे हैं, है ना। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो आपके अपलाइन बोलते जाए आप करते जाओ, है ना। ये बहुत भगवान ने एक किस्मत से जो आपका सगा भाई, सगा मतलब जो रिश्तेदार है वो भी आपका जो साथ नहीं दे सकता ना, ये इंसान एक ऐसा इंसान है कि आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ से लेकर के कहाँ पर बिठा देगा, है ना। ये डायमंड क्राउन, और आपने जब वो लाइफ देखोगे ना तो इतना मजा आता है। हमारी टोटल लाइफ चेंज हो गई,
एक टाइम ऐसा होता था कि हमें अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे पहनने के लिए, खाने के लिए पेट में रोटी का भी भूख के भी लाने पड़ जाते थे। वो भूख हमने देखी है, मेहनत हमने देखी है कि मेहनत भी करते थे तब भी हमारी वो पूरी नहीं होती थी। लेकिन आज हम कम मेहनत करते हैं, इंजॉय करते हैं, आज गाड़ी में घूमते हैं इस बिजनेस के थ्रू। आज कितना अच्छा लगता है, मीटिंग में जाते हैं सब लोग हमें प्यार करते हैं जहां भी जाते हैं। तो इस बिजनेस से ज्यादा और कहां पे आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपको प्यार मिलता है, आपको नेम एंड फेम मिलता है। मुझे तो नाम की मैं इतनी भूखी, मुझे पूरी दुनिया में चाहती हूँ कि मेरा नाम हो। मैं इसको बिजनेस को इसीलिए कर रही हूँ। तो बहुत बढ़िया है और थैंक यू, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बहुत खुशी हो रही है हमें जो है अपनी इस वाली मीटिंग में आकर के, अहमदाबाद वाली मीटिंग में रियली। और मैं तो कहती हूँ सुनील सुरती जी बहुत रियली थैंक यू, और थैंक यू अपने डायमंड जी को भी बोलती हूँ क्योंकि उन लोगों ने जो है हम लोगों को आपके बारे में बताया और आपकी मीटिंग में हमें बोलने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच। और रियली मैं तो कहती हूँ जैसे हम लोग आए हैं और जल्दी से जल्दी जो भी हम अपनी पिन के लिए मेहनत कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी जो है अपनी पिन को अचीव करें, और न्यू पिन अचीवर जितने भी है उनको भी बधाई। रियली थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सुशील कुमार जी एंड तरुण माला जी, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन दिया आपने, आपकी पूरी जर्नी हमको बताई, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड अभी नेक्स्ट अनाउंसमेंट करने के लिए मैं सुनील भाई एंड धर्मिष्ठा जी को मैं बुलाऊंगा वर्चुअल स्क्रीन पे, सो प्लीज सुनील भाई। देखिए सबसे पहले मैं सीनियर मोस्ट सीनियर सिटीजन बोल सकते हैं हमारे सुशील कुमार जी, और उन्होंने बहुत सही बात आज बताई कि मेरी वाली है ना वो शेरनी है, और एक दहाड़ से बात किया आपने, उसके लिए मैं आज बहुत अप्रिशिएट करता हूं। करुण माला जी आप रियल में ट्रू शेरनी है, और आप बहुत सारे लोगों को शेरनी बना सकती है, ऐसी आप में ताकत है। मैं आज बहुत अच्छा लगा, रोंग के खड़े हो गए कि क्या ऐसी महिला हो सकती है जो एक सेंटर से शुरू किया और आज अपनी एक नई गाड़ी लेके, जिसमें आप हम वो गाड़ी का वीडियो आप बना के जरूर भेजे, हम लोग यहाँ दिखाएंगे वो वीडियो को। 3 लाख आपने उसमें एक्स्ट्रा खर्च किया है, हम देखना चाहेंगे कि आपने क्या क्या उसमें लगाया है। किसी बहुत लोगों को आप मोटिवेशन दे सकते हैं। रियली आज का पूरा सेशन सुशील कुमार जी और करुण माला जी के साथ हम लोग बहुत आज बेहतरीन सारी चीजें सीखने को मिला, और हमने जब बात किया ना तो छोटी छोटी बातें किया था करुण माला जी और सुशील जी से, पर वो छोटी 2 बार कॉल के अंदर भी हमारे अंदर एक वाइब्रेशन आए थे, और ट्रू वाइब्रेशन आपने दिए हैं, तो हम आपको बिल्कुल सैल्यूट करते हैं। और जैसे ही आप दहाड़ रहे हैं ना वैसे ही आप दहाड़िए, और हमारी अहमदाबाद की भाषा में इसको बोलते हैं अमेजिंग, गुड जॉब। और सर नाना नानी बने हम इसमें अगस्त में। तरुण माला जी आपसे हमें हम सबको बहुत इंस्पिरेशन मिला है, बहुत ही इंस्पिरेशन मिला, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। और दोबारा हम चाहेंगे कि आप और आपके प्लेटिनम जो आपने बताया कि दरवाजे पे खड़े रहते थे और जब तक वो दरवाजा नहीं खुलता था आप लोग रिटर्न नहीं आते थे, ये बात हमको बहुत मजा आई। ये पैशन होना चाहिए, इसीलिए हमने आज हमारे बैकग्राउंड में भी यही लगाया था आपकी बातें सुन के कि लाइफ में पैशन क्या होता है, फॉलो योर पैशन, और ट्रू एग्जाम्पल आपके अंदर वो देखा। थैंक यू, बहुत मजा आया, और हम चाहेंगे अगले मंगलवार भी आप आए और गुजराती गरबा का जरूर आनंद ले, ट्रेडिशनल ड्रेस पहने, आप अपने सारी शेरनियों को लेके आए, जो आप 15 शेरनी को लेके गए थे ना एफईडी में, 15 मिनट बची थी, 3 बस चेंज करके आप वहां पहुंचे थे, वो सारी चीजें आप देखिए, हम लोग है ना ये सारी बातें आपने जो बताई ना हमारे माइंड में घूम रही है, एक एक चीज याद आ रही है कि आप ट्रू शेरनी है, और हम लोग एमवे में ऐसी बहुत सारी शेरनियां हैं और बहुत सारी शेरनियां पैदा हो रही है, अहमदाबाद डायमंड का हब बनने जा रहा है, और आपकी ये बातें चिंगारी की तरह उठ के निकली है। तो थैंक यू, और मिलते हैं अगले मंगलवार को नए सेशन के साथ, गरबा के साथ, और बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि हम लोग
एमवे वाले हैं और एमवे वाले बहुत मजा करते हैं। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट।